गर्मियां आने वाली हैं और सबको पता है कि गर्मियों में धूप कितनी तेज होती है। जैसे हम ऑफिस से घर आते हैं, स्कूल से, कॉलेज से घर आते हैं, हमारी स्किन झुलस जाती है, हमारी स्किन पे टैन होता है, हमारी स्किन पे पसीना होता है, हमारी स्किन ब्लैक बन चुकी होती है। और फिर हम चाहते हैं कोई एक ऐसी चीज हमें घर पे रखी हुई मिले जिसे हम जाते ही लगा लें और लगाने के बाद हमारी जो इतनी सारी स्किन प्रॉब्लम हम लेके आते हैं बाहर से वो चुटकियों में छूमंतर हो जाए। तो इसके लिए मुल्तानी मिट्टी से बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है? मुल्तानी मिट्टी प्रकृति ने हमें दी है, अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स है, केमिकल फ्री इंग्रेडिएंट्स है, जिसे आप बेझिझक होकर अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ऐसा पैक देने जा रही हूँ जो आपकी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कवर करने में हेल्प करेगा और जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी। और वो अमेजिंग इफेक्ट आपकी स्किन को मिलेगा, पता नहीं कैसा मिलेगा पर बीच में ना पता नहीं क्या हो जाता है वीडियो बनाते बनाते। तो खैर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो और बताती हूँ रेमेडी कैसे आपको मुल्तानी मिट्टी का पैक देगा। स्किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकती है मुल्तानी मिट्टी। भगवान ने बहुत ज्यादा अच्छी चीज दी है हमें और हमें इसका यूज जरूर करना चाहिए अपने फेस पे, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है या फिर सेंसिटिव भी है, तो भी आप मुल्तानी मिट्टी को अपने फेस पे लगा सकते हैं। सेंसिटिव है तो आप सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लें, इसके अंदर गुलाब जल डालें और अपने फेस पे लगा लें, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किल मुहासे हैं, पिंपल हैं, एक्ने हैं, उनको ट्रीट करने में आपकी हेल्प करती है, आपके रंग को निखारने में आपकी हेल्प करती है। तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी लिया है और देख सकते हैं मैंने किस ब्रांड की लिया है, यही मैं यूज करती आ रही हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये 100% प्योर है। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी का स्टोन है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे लेमन, इसके अंदर विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को कसावट देता है, स्ट्रेंथ देता है, काफ़ी अच्छा होता है हमारी स्किन को निखारने के लिए लेमन जब आप मुल्तानी मिट्टी के साथ लगाते हैं। तो अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं और आप इसकी जगह पर डाल सकते हैं दही। मुझे लेमन सूट करता है, मेरी ऑयली स्किन है तो मैं इसीलिए दही भी डाल रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप दही की जगह पे मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 1 चम्मच के करीब आपको दही डालना है और अब इसका पेस्ट बनाने के लिए आपको इसके अंदर ऐड कर देना है गुलाब जल। गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी दोनों ठंडक देने का काम करती हैं, दोनों स्किन को निखारने का काम करती हैं, स्किन को हाइड्रेट करती हैं और आपकी स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स को भगा के आपकी स्किन को सपल स्मूथ बनाने में आपकी हेल्प करती है। मुल्तानी मिट्टी आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड को रिमूव करती है और आपके ओपन पोर को बंद करके आपकी स्किन को बिल्कुल सिल्की, शाइनी, ग्लोसी, स्मूथ लुक देने में आपकी हेल्प करती है। तो मैं थोड़ा सा और गुलाब जल यहाँ पर डाल लूँगी और फिर हम इसका बना लेंगे एक स्मूथ सा पेस्ट। तो स्मूथ पेस्ट हमारा बन चुका है बिल्कुल, ये देखिए कितनी चिकनी बन गई है, बिल्कुल अमेजिंग इफेक्ट देती है अगर आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं। तो चलिए फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से लगाना है, वीक में कितनी बार लगाना है और कैसा ये इफेक्ट आपकी स्किन पे दे सकती है। तो आपको इस पैक को बड़े अच्छे से अपने स्किन पे अप्लाई कर लेना है, अपर डायरेक्शन में हमेशा आपको पैक अप्लाई करना चाहिए ताकि ऊपर की तरफ आपकी स्किन लिफ्ट अप हो और लूज ना हो, अच्छे तरीके से उसमें कसा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने फेस पे इसको लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, कानों पे लगा सकते हैं, जो भी आपका बॉडी पार्ट्स थोड़ा सा डार्क हो चुका है वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद सिंपल पानी के साथ आप अपना फेस वॉश कर देंगे और फेस वॉश करने के बाद ये है आपका रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा निखार आया है, स्किन पे ग्लो भी आया है क्योंकि हमने इसके अंदर डाला था दही। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग इफेक्ट मुझे मिला है ना। यहाँ पे ये रह भी गया है हल्का हल्का, देखिए बालों में भी हल्का सा। तो अच्छे से आपको आपका फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है और फिर आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिल सकता है। तो ये इसको जरूर ट्राई करना है, फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ कि ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।